ऑल राइट गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है कैरियो के माइक के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले उसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। हियर वी गो। इसकी अनबॉक्सिंग देख ली है, प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। एंड सबसे पहले इसकी इंप्रेशंस की बात करता हूँ, तो मेरे को तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मेरे को बहुत अच्छी लगी। फॉर द प्राइस आई एम पेइंग एंड व्हाट आई एम गेटिंग, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मुझे ये सब मिल जाएगा इसके अंदर। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। मैं बेसिक इसका फंक्शनैलिटी आपको डिस्क्राइब कर दूँ। अगर आप देखिए तो ऊपर की साइड इसका माइक का ऑप्शन है, मतलब आपको यहाँ पर बोलना है। एंड नीचे की साइड स्पीकर्स का ऑप्शन है, तो स्पीकर मतलब आवाज़ यहाँ से आएगी एंड माइक यहाँ पर। बहुत ही मतलब इंट्यूटिव डिजाइन है इन्होंने सोच के बनाया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो बटन लेआउट्स है आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे जितने बटन लेआउट्स हैं, फर्स्ट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को बहुत टाइम लगा इसको मैं चलाऊँ कैसे। मैं बहुत देर तक कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी आवाज़ आई नहीं रही थी। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। इसमें एक आपको बटन दिखेगा, दैट इज मैं आपको बीरोल में दिखाता हूँ। इसमें एक बटन आपको दिखेगा दैट इज प्लस एंड माइनस का, इसके नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम। अगर आप इसको ऊपर कर देंगे सिंपली तो आपकी जो माइक की वॉल्यूम है दैट इज विल इंक्रीज। तो बेसिकली आपकी माइक की वॉल्यूम क्लियर है, माइनस मतलब कम आवाज आएगी, जितना ऊपर करोगे उतनी ज्यादा आवाज आएगी अपनी माइक से। आप फोन से कनेक्ट करके स्पीकर से चला लोगे लेकिन आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा अपनी माइक की आवाज निकालने के लिए। एंड इसके राइट में अगर आप देखोगे दैट इज इको बटन। इको के लिए आपको अगर नीचे रखोगे तो इको एकदम लो होगी, इको ऊपर कर दोगे तो आपके पास इको ज्यादा आएगी। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। हेलो हेलो, ये इको फुल हो गई। हेलो हेलो, इसमें इको लो कर दी मैंने क्योंकि इको सिर्फ आप देखोगे एक ही बार आई। हेलो हेलो, इसमें दो तीन बार इको आई है। तो ये इको का फंक्शन है, मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि अगर आप स्टेज पर देखते हैं तो इको बहुत अच्छा एक फील एंड फीडबैक देता है। तो अगर आपको चाहिए कि इको ज्यादा हो तो आप इको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। बाकी जो इसमें बटन है नॉर्मल है, पावर बटन को आप दबा के रखेंगे, इसको अगर दबा के रखेंगे तो ये ऑफ हो गए, दबा के रखेंगे तो ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर रिकॉर्डिंग का बटन है, उसके लिए आपको साइड में पहले इधर एक मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, तो अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं से प्लेबैक कर सकते हैं। मेरे को भी इतना खास लगा नहीं क्योंकि कौन अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेगा ऐसे। एंड अगर आपको करना है यू कैन श्योरली डू इट। साइड में आपको मिलेगा चार्जिंग केबल, आप इधर से चार्ज भी कर सकते हैं एंड इधर भी आपको यूएसबी पोर्ट। ऑल्सो आपको लेफ्ट साइड में एक ऑक्सिलरी इनपुट भी मिलेगा, दैट इज आप अपने ईयरफोन्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर, या फिर आपको कोई ऑक्स जाके वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इस साइड आपको मिलेगा वॉल्यूम बार, तो इधर से आप अगर आप ज्यादा तक प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम इस साइड इंक्रीज कर सकते हैं, अगर नेगेटिव की साइड प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम उस साइड डिक्रीज कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार उधर आगे पीछे दबाओगे तो ट्रैक को फॉरवर्ड एंड बिहाइंड कर सकते हैं। तो ये थे इसके मेन फीचर्स। अब इसका हमें अपने कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना बहुत सिंपल है इसको। आपको बस बेसिकली इसको ऑन करके रखना है एंड अपने आप अपने डिवाइस में जाइए। जैसे मैं अपने अभी फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं टैबलेट यूज करूंगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपको इसको थोड़ी देर के लिए इसका पावर बटन को दबा के रखना पड़ेगा एंड ये रेडी टू पेयर बोलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे ब्लूटूथ में अदर डिवाइसेस के अंदर आपको KM08 करके दिख रहा है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। इट विल टेक अराउंड 30-40 seconds टू कनेक्ट इन द फर्स्ट टाइम, मेरा उससे भी कम टाइम हो गया। देखिए मेरा कनेक्ट हो चुका है एंड अब मैं कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ। अगर आपको कैरियोके सॉन्ग्स चाहिए तो बहुत सिंपल तरीका है कैरियोके सॉन्ग्स ढूंढने का, बस यूट्यूब पे जाओ
एंड जो भी आपके मन में सॉन्ग है, क्योंकि यूट्यूब पे हर सॉन्ग का कैरियो के वर्जन होता है एंड मोस्टली आप ओल्ड सॉन्ग में सबसे ज्यादा मजा आता है कैरियो के सॉन्ग में, या फिर आप कोई रैप वगैरह करें, रैप आर्टिस्ट में बहुत मजा आता है। तो ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स विद कैरियो के लिरिक्स देखो, मैंने ऑलरेडी सर्च भी कर रखा है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। पहला ही खुल गया, छू कर मेरे मन को, आइए उसको प्ले भी कर देता हूँ और इसका ऑडियो भी टेस्ट कर लेते हैं। फेयर वार्निंग, मैं बहुत बेकार सिंग करता हूँ। हेलो 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 वंडरफुल सिम शेडी प्लीज स्टैंड अप, वी गॉट टू हैव अ प्रॉब्लम हियर। हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो ये छोटा सा ऑडियो टेस्ट था, अगर आपका एक रूम जितना साइज है, एक जिसमें आप इसको यूज करो तो इजीली फिल अप कर देगा उसको, मतलब एक नॉर्मल हाउस सेशन के लिए, आपको फैमिली के साथ गेट टुगेदर है, आपके गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है मैं कहूँगा। तो ये था इसका इंप्रेशन। एंड इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँगा, बैटरी लाइफ को पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगी, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि 1 घंटे से भी ऊपर लगे, लेकिन 2-3 घंटे तो आराम से चलता है वो भी फुल वॉल्यूम पे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 2-3 घंटे आराम से चलेगा। ये थी इसकी बैटरी लाइफ, मैंने आपको कनेक्ट करके दिखा दिया, बैटरी लाइफ बता दी। अब इसकी वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी तो टोटली कहूँगा कि मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा था एक्चुअली कैरियो के माइक, लेकिन मेरे को सिर्फ अराउंड 5,000 की रेंज में कोई अच्छा मिलता था, लेकिन ये अराउंड 800 से 1,000 की रेंज में है, तो मेरे को ये काफ़ी सही लगा। इसका जो लिंक है, बेस्ट बाय लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप उसे से खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको कहीं और भी बेटर ऑप्शन मिलता था वहां से ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने इसके अंदर एक रिव्यू देने की कोशिश करी है इसकी एंड मैंने इसको अराउंड 1 महीने यूज भी कर लिया, तो मेरा तो पॉजिटिव एक थम्स अप इसका रिव्यू है। अगर आपको खरीदना है, अगर माइक में इंटरेस्टेड हो, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। ये कोई प्रोफेशनल लेवल माइक नहीं है, सिर्फ लेजर के लिए है, अगर आपको प्रॉपर सिंगिंग बैटल्स वगैरह करने हैं, रैप बैटल्स करने हैं प्रोफेशनल लेवल पे, अगर ओपन में आप करते हैं तो मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ये सिर्फ एक लेजर पर्पज के लिए मेरे को बेस्ट लगता है। एंड अगर आपको अच्छा लगे रिव्यू तो आप अपनी परचेज कर सकते हैं एंड आपने अगर खरीद रखे, आपने यूज कर रखे, तो कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस मेरे को बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।